नवी डोगरी संस्था दो किताबें आज रिलीज हुई हैं। पहली किताब ये है, राकेश आनंद जी जो इस समय मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, और दूसरी किताब एस्ट्रोलॉजी टेस्टेड फेक। दुनिया को जागना नहीं चाहिए। तो जिन्होंने ये लिखी है ये यहाँ पर बैठे हैं समुदाय के लोग जो भी गॉड्स को मानते हैं, तो नहीं वो भी सोचे कि यार भगवान है या नहीं है। अगर है तो क्या कोमा में है क्या भगवान? अगर नहीं है तो भगवान दुनिया को ठीक क्यों नहीं करते? हमारा क्वेश्चन ये है। सिर्फ भगवान ही करेंगे। भगवान मेन जो मेन कैरेक्टर है, क्रिएटर जिसको आप कहते हैं, मेन क्रिएटर जो गॉड है, ये उन्हीं का काम है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम वही फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, हम जो क्रिएट करेंगे लिखेंगे पर्दे पे आपको वही दिखेगा। अभी एक बुक तो आपकी इस गॉड इसको ये टाइटल आ गया, दूसरा आ गया ज्योतिष, झूठा साबित हुआ। मतलब ये किसको टारगेट कर रहे हैं आप? ज्योतिष को, और किसको करना है? मैंने सिर्फ ज्योतिष ही मिला जो भाई आप एक आपका जो भी नाम है, आप अपनी जिंदगी में जो कर रहे हो, आपको क्या जर्नलिज्म में मिली करने को? नहीं, ज्योतिष एक सेकेंड, एक बंदा बना एक बंदा, देखिए बुक का टाइटल है ज्योतिष झूठ साबित हुआ, आप ये समझिए। मैंने ज्योतिष सीखा, उसके बाद जब मुझे लगा कि ये गलत है तो मेरी ड्यूटी बनती थी बुक लिखना। आप कहते हो पीर फकीर, वाई नॉट? अगर आप इसको इस बात को प्रमोट करना चाहते हो तो आप एक काम करिए, मैं आपके साथ हूँ। क्या आप लिखेंगे इसके बाद? जैसे ज्योतिष सर बुक नहीं मैं लिख सकता हूँ, इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि हम एक इसी प्रेस क्लब में एक ओपन चैलेंज देते हैं, जितने भी पीर फकीर है। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा सवाल है, जो किताब का आपने नाम रखा है वो जानी तौर पर आपकी सोच हो सकती है, पूरी दुनिया की नहीं हो सकती, इसलिए आपने पेन किया हुआ है, उसका मतलब क्या है? जो देखिए जो किताब का नाम पड़ेगा, टाइटल पड़ेगा, वो अंदर पड़ेगा, क्या मकसद है वो टाइटल के नाम? टाइटल का सीधा मकसद है कि भाई ये अंधविश्वास है, इसे बाहर रहो। आप भगवान को नहीं मानते, मतलब ये तो नहीं दुनिया नहीं मानती। यार मैंने कहा बोला भगवान को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, इज गॉड इन कोमा? क्या भगवान कोमा में है? इसका मतलब अगर कोई चीज होगी तभी कोमा में होगी ना, वही चीज तो हम जानना चाहेंगे ना कि आपके पैनल किया है कोमा किस सेंस में आपने लिखा, मतलब भगवान कुछ कर नहीं रहे, क्रिएटर आप उसे मानते हो, आप हम क्रिएशन है उनकी, तो आप कह रहे इज गॉड इन कोमा, कोई तो आपके साथ वाक्य बीता होगा ना। देखिए दुनिया में हर 24 घंटे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, क्या इंसान क्या जानवर, 24 घंटे हर कोई टेंशन में जी रहा है। क्या वो भगवान की ही प्रॉब्लम्स है? क्रिएशन गॉड की है, मेरी नहीं है। इंसान अगर मेरी क्रिएशन होती तो दुनिया अच्छी होती। अगर कोई इंसान की गलती होती है तो उसको भी ब्लेम करोगे आप? नहीं नहीं, अब मैंने बोल दिया, अब इतना बड़ा है, इतना 550 पेज का नॉवल मैं आपको 5 मिनट में नहीं समझा सकता। आप सिर्फ कंक्लूजन बता दीजिए। कंक्लूजन है सिटी ऑफ ह्यूमंस बनानी है हमने, जिसमें सारे जो लोग हैं एज ए ह्यूमैनिटी रहेंगे, उनका किसी का धर्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो एक दूसरे से प्यार करेंगे, वही हमारा धर्म है। वो भी इंसानों ने बनाया है, वो भगवान ने नहीं बनाया, वो भी हम इंसानों ने बनाया। भगवान जी क्या कर रहे हैं? तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तो भगवान जी तमाशा देख रहे हैं, भगवान जी तमाशा देख रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ भगवान ही? सर बहुत लोग हैं जो भगवान की वजह से जी रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। आपको कष्ट दिख रहे हैं, आपको कष्ट दिख रहे हैं सर, आप ये नहीं कह सकते, आपको कष्ट दिख रहा है सर, आपको ये कष्ट दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में भगवान की वजह से क्या कष्ट है? दुनिया ने कितने सुख पाए हैं उनकी आराधना करके, पूजा करके, आपको क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, आपको लगता है किसी सेंटीमेंट हर्ट होते हैं? वैसे बात है, पिछले जॉब देना सही थिंग है, जॉब दीजिए, जो आपकी बात है सही बात करो सर। आपसे क्वेश्चन है, नवी डोगरी संस्था इसमें डोगरी का है ना, आपका डोगरी में कोई जो आपने टाइटल है, कोई बुक डोगरी में नहीं है, जो आपने किताबें पढ़ी वो अंग्रेजी में पढ़ी गई, आप मुझे ये बताइए सर क्या आप जस्टिफाई करते हैं? हमारी स्पीच जो हुई है, यशी ने बोला वो सर डोगरी में बोला है, मैं भी डोगरी में बोलता हूँ। बुक देखिए ना, आपने जो बुक में आपका टाइटल इंग्लिश में है, यू आर सपोज्ड टू प्रमोट डोगरी, नहीं 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 देख बैठे, नहीं नहीं नहीं, हम आप क्या एजेंडा प्रमोट करवा रहे हैं सर? ठीक है सर, हम डोगरी के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी भाषाओं को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि नहीं सर मेरे सुनिए, भाषाएं जोड़ती हैं तोड़ती नहीं है,
भाषाएं जोड़ने का काम करते हैं, हम सारी भाषाओं को लेकर चलते हैं। हम जम्मू के जम्मू से बाहर नहीं जा सकते, अगर डोगरी में रहेंगे हमारी किताब बाहर नहीं जा सकती। फिर प्रमोट कैसे होगी? नहीं प्रमोट कर रहे हैं हम अपने जम्मू के लिए तो करेंगे सब। हम जम्मू के क्या क्या कोई संस्था डोगरी है, किताबें अंग्रेजी की रिलीज करवाते हैं, हिंदी की करवाते हैं, उसमें सभी भाषाओं में क्या सभी भाषाओं में उर्दू में करते हैं, पंजाबी सब करते हैं। देखिए देखिए मैं बताऊँ, आप इस बात को मानते हो? ये मैं बताता हूँ, ये इनको इनका झूठ साबित, ये ज्योतिष साबित हुआ, मैंने किताब में पढ़ा है। ये है कि इन्होंने ज्योतिषियों के कहने पर एक जगह हॉलीवुड में चले गए कि आप सुपरस्टार बनेंगे। सुनिए मैं जो मैंने पढ़ा है, सुपरस्टार बनेंगे आप। ये सुपरस्टार बनने के लिए वहाँ चले गए, एक जोशी ने, पांच जोशियों ने कहा था कि आप सुपरस्टार बन जाएंगे, वहाँ पे चले गए। बाद में इतने पछताए कि मैंने ज्योतिषियों का कहने पर मैंने कुछ गलत हो जाएंगे, पूरा समाज गलत हो जाएगा। नहीं सर सर, समाज गलत हो जाएगा। मैं मानता हूँ, नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, वो पर्सनल मैटर है सर। आपसे क्वेरी इतनी है कि आपकी डोगरी की संस्था, यू आर सपोज टू प्रमोट डोगरी, इसमें डोगरी कहाँ थी? आपने उसे रिक्वेस्ट की, आप एक डोगरी गाना बनाने वाले अगले महीने? वो सर जब नहीं अपनी अगर ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। आपको लगता है कि भगवान कोमा में? लेकिन देखो ये हम दूसरी तरफ ले चले, लेकिन राइटर राइटर का भी आप नहीं ले चले, जिन्होंने लिखी है वो ये कह रहे भगवान है ही नहीं, वो तो कह रहे हैं। आपको लगता है कि भगवान कोमा में है? मेरा ख्याल है अगर आप किताब को पढ़ोगे ना, मुझे किताब का जो टाइटल है इंग्लिश है, उनका पर्सनल हो सकता है, पर्सनल आपको लगता है? इस तरह के टाइटल जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं? यस करते हैं। नहीं देखो ये सुनो, जब हमने किताबों के जब हमने किताबों के बारे में सर किताबों के बारे में देखो, एक राइटर का अपना ज्ञान होता है, लेकिन आप जब किताब पूरी पढ़ लेंगे ना आपको पता चल जाएगा ये किताब क्या चीज है। हर राइटर की अपनी ओपिनियन है, हर राइटर की अपनी कल्पना है, हर राइटर की कोई अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइटर एक पैम्फलेट से बिजनेस प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे पास जवाब नहीं है आपकी बात का, आपको लगता है कि ये चीजें गलत हैं? पत्रकार की जवाब के सवाल का जवाब नहीं होगा, पत्रकार ने पत्रकार वार्ता रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, खड़े पत्रकारों से टाइम है नहीं। कितने डोगरा आर्टिस्ट साहब ने बुलाया? मैंने कहा बोलो, मैंने बोला, हमने कहा क्या, हम पत्रकारों का वेलकम करते हैं, पत्रकारों की वजह से हम हैं। आपके सामने बोला उन्होंने सर, किसी की हमारे बॉर्ड को लेकर चैलेंज करते हैं, आप उनको मंच देते हैं सर ऐसा है, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं ना किया? नहीं सुनिए, इसमें दुनिया के बारे में कुछ नहीं कहा, ये आज मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले नवी डोगरी संस्था प्रेजेंस बुक रिलीज का फेलिसिटेशन फंक्शन, दो किताबें गॉड इज कोमा, ये वो किताब है गॉड इज इन कोमा, जो लिखी गई है राकेश आनंद जी द्वारा, जो अपनी बातों पर टिके हैं, और आज यहाँ पर जो है ये तस्वीरें, कोशिश करेंगे जरा इनके ऊपर चलते हैं, इनके पास जरा दोबारा से जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एज ए राइटर, एज ए राइटर एक राइटर फिल्म मेकर का क्या काम है, उसके दिमाग में जो आइडियाज हैं वो लिखेगा, वो उसके आइडियाज हैं, राइट? आपको लगता है कि आपकी इस किताब के पढ़ने से लोगों के दिमाग में जो है गलत संदेश जाएगा, गलत भावना? गलत नहीं, सही जाएगा, सही जाएगा, सही जाएगा, सर मैं भगवान को मानता हूँ, ह्यूमैनिटी को मानना शुरू कर देंगे आप अपने अपने धर्म से बाहर निकल जाएंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इस प्रेस पत्रकार वार्ता में बहुत बार जो कहा इस गॉड इज कोमा आपका टाइटल था बुक का, आपने भगवान का नाम लिया, आपका किधर है? हाँ सर, आपने भगवान का नाम लिया, तो
मुझे एक ही संजीव में आप परिभाषा दे दीजिए गॉड की, कि गॉड में सिर्फ भगवान ही है, बाकी धर्मों के जो ईश्वर वो भी आते हैं? सारे में कौन कौन, नाम लीजिए पूरी दुनिया जो है, नाम ले लीजिए भगवान का। मुसलमानों के आगे, ज्यूज के आगे, क्रिश्चियंस के आगे, इजिप्शियंस के आगे, साउथ इंडियंस के आगे, नॉर्थ इंडियंस के आगे, आप ये मानते हो कि सभी आप अपनी सोच भगवान की सोच से भी ऊपर रखते हो? देखिए मैंने आपको बोला भगवान के ऊपर मैं इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन, चलो आप पूछ रहे हो तो मैं बता दूं। मेरा टारगेट इस बुक का टारगेट पता है क्या है? इस बुक का टारगेट है कि हम जितने भी धर्मों के लोग हैं और 21st सेंचुरी, हमें अपने अपने धर्मों से बाहर निकल के ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं ना, एक रिलीजन बना लेना चाहिए। और हम चाहते हैं कि भाई इस बुक के थ्रू जो मेरा अपना पर्सनल टारगेट है, देखिए मैं अपना बता सकता हूँ, बाकी दुनिया हर कोई अपनी जगह जो मर्जी करे। आपको लगता नहीं कि आप एक सवाल, आपकी इस बैनर में कितने मुस्लिम लोगों को आपने यहाँ पे इनवाइट किया है, क्या कोई आया यहाँ पर? सिर्फ जितने भी हैं यहाँ पर सब देखिए धर्म के लोगों मैं, को आपने यहाँ पे सर, मैं साफ साफ टारगेट होता है कि आप एक ही धर्म टारगेट कर रहे हो। अच्छा मैं थोड़ी डोगरी बोलना, मैं डोगरी जानना, और अगला मैं थोड़ा खुशी होगी जान के कि मैं एक गाना लिख रहा डोगरी च। उस गाने का मतलब पता की है कि मत शर्माओ डोगरियो, बोलो डोगरी, अपने बच्चे की बुलाइए आखो बोलो डोगरी। भरा मेरे बंदा इंग्लिश भी गल करता, हिंदी भी करता, डोगरी नवी डोगरी। अरे भाई मेरे सर जी, ये मेरी बुक है, इंटरनेशनल मार्केट में जा रही है, वो इंग्लिश में जाएगी, डोगरी में जाएगी बुक आपने, लेकिन ये करो यार बिजनेस प्रमोशन की बात नहीं, तुम एक गल मानते हो कि चलो ठीक है तुम्हारी सोच ही तुम्हें पेंडम कर ली, हर कोई इंजे करता है, नहीं होए लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार और जो 21st सेंचुरी माइंडसेट के लोग हैं वो सोचेंगे यार बात तो ठीक है, हम खाम का अलग अलग धर्मों के चक्कर में आपस में लड़ते हैं, ये करते हैं, प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर ये धर्म की प्रॉब्लम नहीं होती दुनिया में, अब ये मुस्लिम धर्म की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मुस्लिम धर्म की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? अगर मुस्लिम धर्म की प्रॉब्लम नहीं होती तो कश्मीर तक किसे ही खत्म हो जाना सी बड़े साल पहले, होना सी नहीं। उस चक्कर में ये जो धर्म, क्योंकि आम जी मुसलमान है, हमें कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, ये मुस्लिम धर्म का ये जो कार्ड खेल के उसे जो नुकसान किधर आया है, नुकसान साढ़ा हो रहा ना, जो देश का खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है कश्मीर के प्रॉब्लम में, वो हमारी जेब में आता ना, आपकी जेब में जाता ना, तो ये धर्म बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। अभी मुस्लिम वोट जो खुद है पूरा, आप देखो अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मुसलमान आपस में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर करके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान तो सभी का है। आखिरी सवाल है, आपने कहा कि ये आपने गॉड पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं लिखा, सबके लिए लिखा है, नाम लीजिए, ये मानते हैं कि अल्लाह का सुन को मां गुरुजी आपसे, बिल्कुल 100% बताएं कौन कौन। अगर मैं मान लो, अगर मैं मुसलमान हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको लगता है कि मैं हिंदू हूँ मेरे नाम से, लेकिन मान लो अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं भाई, मेरा भी जो दिमाग है, मेरा दिमाग मुझे पूछता है कि यार बताओ कहीं भगवान अल्लाह है कि नहीं है, या ऐसे ही लोग मानी जा रहे हैं अल्लाह को। मैं ये भी सोचता हूँ अल्लाह अगर है यार, हो सकता है अल्लाह कोमा में हो। इसी तरह अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सोचूंगा यार इतनी प्रॉब्लम है दुनिया में, हर कोई परेशान है, तो हमारा ये जो गॉड है यहोवा, उनके भी बड़े अलग अलग नाम है, कोई जहोवा बोलता है, कोई यहोवा बोलता है, जो भी है, तो एज ए क्रिश्चियन मैं सोच सकता हूँ कि यार कभी ऐसा तो नहीं कि है ही नहीं। ये बात तो नास्तिक वाली होगी ना जो आप कह रहे हैं सर। देखिए सर, नास्तिक, चलो मान लो नास्तिक और आस्तिक से हमें क्या लेना है, क्योंकि द पॉइंट इज यू आर ए 21st सेंचुरी ह्यूमन बीइंग, आपको अपना दिमाग लगा के सोचना तो है ना कुछ, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपने ये सोचना ही बंद कर देना है, आपने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें कंट्रोवर्सी होना लाजमी सी बात है, जिसमें टीआरपी मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़े। सर ये आपकी सोच हो सकती है, सोच नहीं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये देखिए छोटी सोच है, ये आपकी सोच है। जो भगवान को नहीं मानते उनकी सोच बड़ी है, और जो लोग, कुछ लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए सोच छोटी है, ये देखिए इनको फलिस्टेट किया गया है, रमी डोगरी संस्था जी द्वारा, राकेश आनंद जी, ये वो किताबें हैं।
गॉड इज गॉड इन कोमा, और उन्होंने ये कहा है कि सवाल पूछने वाले की सोच छोटी हो सकती है लेकिन इनकी सोच उच्च कोटि की है। इनकी सोच इतनी उच्च कोटि की है कि इनको ये नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं। और सीधा तौर पर इनका ये कहना है कि भगवान शगवान कुछ नहीं है, मैं भी नहीं मानता, आप भी नहीं मानिए, इस तरह की किताबें किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई एक व्यक्ति गलत आ सकता है, दो आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज गलत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ये भी जरूर लिखिएगा। देखते रहिए।